तो दोस्तों अभी एक टॉपिक बहुत ही इंटरनेट पर छाया हुआ है जो कि है धूम 4 से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी क्यों ना वीडियो बना लें। तो दोस्तों फाइनली जो धूम 4 है उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश हो रही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो धूम 4 बनने वाली है उसको जो धूम फर्स्ट बनी थी उसके 20 साल होने के बाद, मतलब धूम फर्स्ट जब बनी थी वो था हमारे 27 अगस्त 2004 को, जिसमें आपको अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और जॉन इब्राहिम देखने को मिले थे। तो अभी जो 2024 में लगभग 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे 27 अगस्त को, तो धूम 4 का अनाउंसमेंट होने की पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि धूम फ्रेंचाइज की 3 मूवीज आ चुकी है, धूम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें से फर्स्ट मूवी बहुत ही ट्रेंडिंग में थी। हमें याद है जब हमारे टाइम पे धूम आई थी मूवी, तब हर कोई उसकी जो ट्यून होती है जब जॉन इब्राहिम चोरी करके भागता है, वो वाली धुन सभी ने अपने हॉर्न में लगा ली थी, और हर जगह गाना, बाइक, जैकेट पहन के जॉन इब्राहिम के स्वैग में घूमना, मतलब विलन ज्यादा फेमस हुआ था उस मूवी से। और नो डाउट जॉन इब्राहिम की परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी थी। तो हाल ही में अब उसकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट यानी धूम 4 आने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रही कि धूम 4 का विलन कौन होगा, और विलन के सामने हीरो कौन होगा। क्या अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा फिर से आएंगे या कोई नई कास्टिंग होगी? तो दोस्तों अगर नई कास्टिंग होती है तो उसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं। सीनियर एक्टर्स में नाम आ रहा है अक्षय कुमार का, शाहरुख खान का और सलमान खान का। वहीं जो यंगेस्ट एक्टर है उसमें हमारे रणबीर कपूर का सबसे पहले नाम आ रहा है, फिर विक्की कौशल का और सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम आ रहा है कहीं ना कहीं से। और अगर मूवी को तगड़ा पैन इंडिया बनाना है तो उसके साथ साउथ वालों का भी नाम जुड़ रहा है इसमें, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे भास, सेकंड पे अल्लू अर्जुन और हमारे KGF के रॉकी भाई यानी हमारे यश। तो दोस्तों इन सब में से कोई ना कोई हो सकता है, इसके चांसेस चल रहे हैं, सब अपनी अपनी थ्योरी बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन होगा ये तो हमें अनाउंसमेंट के वक्त ही पता चलेगा। तो इस बार अनाउंसमेंट होने वाला है, शायद उसमें रिवील भी कर दे कि कौन होगा लीड विलन एक्टर इसमें। उसी के साथ दोस्तों अगर मेरी माने, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब विद्युत जामवाल को होना चाहिए इसमें अंदर। विद्युत जामवाल वन ऑफ दी फाइनेस्ट एक्शन हीरो है आज की तारीख में, अक्षय कुमार सर के बाद। तो दोस्तों मुझे बहुत ही, मेरी एक ड्रीम है कि शायद विद्युत जामवाल जी अगर इस मूवी में आ जाते, अगर कोई वीडियो देख रहा है डायरेक्टर, शायद उन्हें कुछ लगे तो उन्हें ले लीजिए, वो भी जबरदस्त काम करते हैं। और साथ में एक फेमस एक्टर ले लीजिए कोई भी बड़ा, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार या प्रभास वगैरह को, तो मूवी में मजा आ जाएगा दोस्तों, अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो। और अगर नया ट्राई नहीं करना है तो पुराने में हमारे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा को रिप्लेस मत कीजिए, उनकी वजह से धूम फिल्म काफी ज्यादा चली है, क्योंकि अगर वो पुलिस वाले होते हैं तभी मजा आता है चोर को पकड़ने में। तो चोर आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन उनको रिप्लेस मत कीजिए, या फिर रिप्लेस करो तो पूरी तरीके से एकदम डिफरेंट कास्ट लेके आइए। और शाहरुख खान और सलमान खान को नहीं लाना चाहिए, मेरा रिकमेंड है, क्योंकि उन्हें हम ऑलरेडी उनकी जैसे आज की स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में देख रहे हैं, तो उनको धूम फ्रेंचाइज में भी देखना थोड़ा सा मिक्सिंग लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं या तो अक्षय कुमार सर को ले लो, या अजय देवगन को ले लो, या प्रभास वगैरह, अल्लू अर्जुन, इनको किसी को लो। तो ये मुझे लगता है, बाकी आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट करके बता सकते हो वीडियो में। और 27 अगस्त को अनाउंसमेंट होने के पूरे चांसेस है, सब जगह ये न्यूज फैल चुके दोस्तों, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। तो अगर आपको ये रिव्यू, एक छोटा सा न्यूज वाला वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है जेफ मीडिया और मेरा नाम है अभिषेक, आपका दोस्त। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।